हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जहां पे आपको काफ़ी आसानी से लोन प्रोवाइड कर देती है। यहां पे गाइज आप देखेंगे तो यहां पे अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिलता है। सिंपली गाइज आपको जो है एक बार इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पर गाइज देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है गेट कॉल्डेड फ्री वन सेक्रेट लोन, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर बताया गया कि 10 लाख तक का जो है आप बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो आप ले सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है 100% डिजिटल प्रोसेस दिखाया गया है, आपको कहीं पे जाना की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑनलाइन के माध्यम से जो है यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है डिस्ट्रीब्यूट विद इन 48 आवर्स, यानी कि आज पैसे के जो है आपके खाते में 48 घंटा के अंदर जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक सप्ताह बाद, महीना दिन बाद जो है आपको लोन प्रोवाइड करने वाला है, यहाँ पे जो है 48 घंटा के अंदर आपको लोन मिल जाती है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आप सबको इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, सारे चीज जो है आप सबको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए जो है आपको आखिरी तक वॉच करना है। सिंपली गाइज नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। सिंपली गाइज आपको जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पे गाइज देखेंगे यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है इंटर ईमेल आईडी फिलअप करना है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है। सिंपली गाइज आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पे गाइज आपका जो पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका नाम शो कर लेता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेती है। तो सिंपली गाइज अगर आपका पैन कार्ड का डिटेल सही है तो नीचे जो है आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अगर आपका पैन नंबर गलत है तो सिंपली यहाँ पे चेंज पैन पे क्लिक कर जो है आप दोबारा से अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप कर सकते हैं। तो सिंपली मेरा पैन कार्ड जो है यहाँ पे सही है, मैं यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है नीचे यहाँ पे पिन कोड नंबर पूछा जा रहा है। तो सिंपली गाइज आपको जो है अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे बताया गया है पिन कोड एज पर योर बिजनेस एड्रेस, यानी कि गाइज जिस जगह पे आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप अपना जो शॉप रखें वो खोलना चाहते हैं, गाइज उस जगह का जो है आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना होगा। पिन कोड फिलअप करने के बाद जो है नीचे आपको सबमिट का बटन मिलता है। सिंपली गाइज आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। सिंपली गाइज आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाया जाता है, तो मोबाइल नंबर देखकर आपको नीचे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का टिक करना होता है। सिंपली इस बॉक्स को आपको टिक करना है। उसके बाद गाइज नीचे जो है सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो गाइज इसी नंबर पे जो है ओटीपी भेजी जाएगी। सिंपली गाइज यहाँ पे ओटीपी अपना फिलअप कर दे, आपका डॉक्यूमेंट जो है इसे फैचिंग किया जाता है। उसके बाद गाइज आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर द अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि गाइज आपको जो है यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, दूसरा मोबाइल नंबर देना है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर डालकर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सिंपली सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है फैचिंग दिखाया जा रहा है, यानी कि गाइज आपका सिविल स्कोर यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिया जाता है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो है आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें से आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नोन ऑफ दिस अबव पे क्लिक कर लेंगे। नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बताया गया कि अमाउंट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज नीचे जो है सिलेक्ट वन ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है पासपोर्ट का जो है लास्ट 5 डिजिट यहाँ पे बताया जा रहा है। सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपको एक डिजिट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो है आपको एक बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से जो है पासपोर्ट पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज नीचे जो है सबमिट का बटन मिलता है। सिंपली गाइज आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब गाइज जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे फैचिंग किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो है आपको कुछ देर वेट करना होगा।
वेट करने के बाद गाइज आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस यानी कि गाइज आपको यहाँ पे अपना बिजनेस का डिटेल्स देना है, कौन से बिजनेस जो है आप यहाँ पे खोलना चाहते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आप देखेंगे पार्टनरशिप दिया गया है, पार्टनरशिप में आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, या पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे जो है हम पब्लिक के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज नीचे जो है बिजनेस पेन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करना होगा। नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ में आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गाइस नीचे जो है सिलेक्ट अमाउंट, इनकम रेंज दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको कितना रुपया लोन चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिनिमम हम 3 लाख रुपया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है, सिंपली गाइस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिलअप करके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है ये पेज आगे बढ़ ही नहीं रही है। गाइज यहाँ पे कुछ सर्वर इशू के कारण जो है मैं आप सबको यहाँ पे आगे की प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। और गाइज इस एप्लीकेशन के बारे में हम बता दें तो गाइज इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है व्यापार ऐप, ठीक है। सिंपली गाइज व्यापार ऐप को जो है आप अपना प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगी। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको जो है यहाँ पे 3 लाइन देखने को मिलेगा, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली गाइज अप्लाई लोन पे क्लिक कर आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। गाइज कुछ इस प्रकार से जो है इस एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। गाइज वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें।